नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यूपी का कार्ड रीडिंग है कि क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो आपसे ट्रूली लव करते हैं। सो ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आप इनके साथ एक सेपरेशन फेस में हो, या आपके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक पार्टनर हो, आपकी इनसे बात ना हो रही हो। तो हमारे पास तीन मिस्टिकल सिम्बल्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं। पहले में है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक सिंबल है सोल फ्रीडम का। दूसरा स्पिरिट एनिमल है डॉग्स। डॉग्स इज अ सिंबल ऑफ अनकंडीशनल लव और लॉयल्टी। तीसरा हमारे पास सिंबल है कैट्स का। कैट्स इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन पावर एंड स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर। सो आप इन तीनों स्पिरिट एनिमल्स पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए, और इनमें से जो भी स्पिरिट एनिमल आपका फेवरेट है या फिर इस टाइम पे आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे ही चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हमिंग बर्ड को चुना है, सो आप जिस पर्सन के बारे में अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा गिल्ट रिग्रेट, मतलब इनके माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी मेमोरीज कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है। इन्होंने पास्ट में या तो आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, या आपको चुन के थर्ड पार्टी को चुन लिया, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। ये अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। तो करंटली इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। गिल्टी रिग्रेट। स्टेप आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन, नॉर्थ नोड। सो इस टाइम पे ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा एटमॉस्फेयर रहा है कि ये पर्सन या तो किसी बहुत ही रिजिड फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसी फैमिली जिनके लिए अपनी कम्युनिटी, रिलीजियन, कास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंस है, एज डिफरेंस है। हो सकता है आपके जो पर्सन है आपसे एज में बहुत बड़े हैं, आप उनसे एज में छोटे हैं, प्रोफेशन का डिफरेंस है, या आपकी फैमिलीज नहीं मानती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है। तो कंफर्ट जोन, इस पर्सन को आपके पास आने के लिए अपने कंफर्ट जोन, जो आप दोनों के बीच में बैरियर है, उसे ब्रेक करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो आपके पास आने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, और इस टाइम में इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फियर, डर है। फेटेड टू सफर। तो यहाँ पे अदर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन फेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें अदर्स का इन्वॉल्वमेंट है। या तो ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, मैनिपुलेटिंग है, और या फिर आपकी फैमिली ऐसी है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का या फिर थर्ड चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। प्लस आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक होते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन होता है, ब्लैक मैजिक अटैक होते हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस बना हुआ है। लेकिन इस पर्सन को आपके पास आने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और ये निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस पर्सन के लिए। द एम्प्रेस। ये पर्सन आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं। एम्प्रेस एक बहुत ही मदरली और नर्चरिंग फिगर होती हैं। सो ये पर्सन हमेशा आपसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो करंट एनर्जी ऐसी है इस पर्सन की, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। सो ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। सो ये आपको एज अ मैरिज पार्टनर, वाइफ की तरह देखते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए पेशेंस रखा है, वर्क किया है, स्पिरिचुअल वर्क किया है, या फिर इस रिलेशनशिप में वर्क किया है, तो आपका इस रिलेशनशिप में जो भी वर्क है या जो भी इस पर्सन के लिए आपका पेशेंस है, वो बेकार नहीं जाएगा। आप अपना वर्क कंटिन्यूसली करते रहिए। ये पर्सन आपके पास आएंगे, और इस बार ये जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी थर्ड सर्कमटेंसेस बने हुए हैं, उन सबको छोड़ के आपके पास आएंगे। सो यस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, और आपसे ट्रूली लव करते हैं, और बहुत ही जल्द आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बस ये अपनी ज़िंदगी के जो कार्मिक इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, उसे पूरी तरीके से रिजॉल्व करके फिर आपके पास आएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने हमिंग बर्ड को चुना। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अब देखते हैं जिन्होंने स्पिरिट एनिमल डॉग्स को चुना है उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो जिन्होंने स्पिरिट एनिमल डॉग को चुना है उनके लिए मैसेज है मैस्कुलिन कार्ड। सो ये जो पर्सन है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियसनेस में है। इन्होंने या तो आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, किसी तरीके का कोई ऐसी चीज़ करी है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में एकदम टावर मोमेंट आ गया है। आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया या फिर इस पर्सन ने आपको लेट गो कर दिया। तो ये पर्सन इतने ज़्यादा शेमफुल में है, गिल्ट में है, शर्मिंदा है अपनी चीज़ों को लेकर। और यहाँ पर एक तरीके का मैनिपुलेशन भी है। ये पर्सन एक ऐसे ऐसे फैमिली से आई है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, नार्सिसिस्टिक है, ऐसी फैमिली है। इस पर्सन को अपने खुद के एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं, या तो इस पर्सन को पॉर्न का एडिक्शन है या फिर किसी तरीके के ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का, सिगरेट का। तो इस तरीके के इस पर्सन के अपने अपने एडिक्शन इशू हैं, अपनी इमोशनल कोडिपेंडेंसी इश्यूज है। ये पर्सन अपने पास्ट में ऐसे ही रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ इन्हें इमोशनली अब्यूज़ किया जाए या फिर एक बहुत ज़्यादा पेनफुल रिलेशनशिप में रहे हैं। सो इस पर्सन में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। ये पर्सन बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर नहीं है, इस पर्सन में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शन है और इस बात का इस पर्सन को एहसास है। करेंटली इसे इन सारी बातों का एहसास हो रहा है कि इनके खुद के अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे इमोशनल कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन पैटर्न, कार्मिक इश्यूज। तो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं और इस टाइम पे ये अपनी कमियों को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं और पास्ट में इन्होंने जो आपको बिट्रे किया उसके लिए ये बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियसनेस में है। प्लस द हर्मिट कार्ड। सो ये पर्सन एक तरीके के अपने माइंड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड में शांति क्रिएट, अपने अंदर शांति क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन इस टाइम पे किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो ये मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, या फिर किसी रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे वो कोई फास्ट रख रहे हों या किसी तरीके की प्रेयर, मेडिटेशन, चैंटिंग, हीलिंग, कुछ भी ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं ताकि इन्हें अपने अंदर शांति मिल सके, ये बैलेंस स्टेज पे आ सके। और जब ये अंदर से शांत हो जाए तब ये आपके पास आए। द ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो ये पर्सन इस टाइम पे आपके साथ आने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं कर रहे हैं कि मतलब आपके पास जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, जैसे कि पहले आप दोनों के बीच में हुआ कि हाय हेलो किया फिर चले गए या फिर थोड़ी बहुत बात चली तो आगे नहीं बढ़ी। नहीं, इस टाइम पे ये पर्सन आपके साथ बहुत ही एक हैवी और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ वापस आना चाहते हैं, प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहते हैं, ना कि खाली ड्रीम स्टेज पे या खाली प्रोमिसेस पे। नहीं, इस टाइम पे ये एक्शन लेना चाहते हैं। दूसरा जो टाइम है, अ टाइम टू गिव रेंटर देन टेक। सो इस टाइम पे ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। हमेशा से इस रिलेशनशिप में आपने ही दिया है, आपने अपने इमोशन इन्वेस्ट करे हैं, अपना आपने इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया होगा, आप में से बहुत से लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा या फिर इस पर्सन को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए होंगे, बहुत सारे मैसेजेस दिए होंगे। तो अब ये पर्सन आपको रिटर्न करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। द डेथ कार्ड। सो इस पर्सन में बहुत बड़ा चेंज आ गया। डेथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल चेंज होता है, एक ऐसा चेंज जो पर्सन को पूरी तरीके से बदल दे, मतलब ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ के अंदर जो उस पर्सन को पूरी तरीके से बदल देती है। तो ये पर्सन एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास आने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया द टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देंगे, प्रैक्टिकली कमिटमेंट देंगे और ये आपको शादी की कमिटमेंट देंगे और आप दोनों, और इन्होंने इस चीज़ के लिए सारा प्लान भी कर लिया है, अपना प्लान कर लिया है, अपना घर प्लान कर लिया, गाड़ी प्लान कर ली, कैसे कैसे आपसे बात करनी है, इन सब की प्लानिंग इस पर्सन ने कर लिया है। बस ये अपने माइंड को बैलेंस में लाना चाहते हैं और हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की और अपनी गलतियों से माफ़ी मांगने की। और ये बहुत ही जल्द पर्सन आपके पास आने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने इस वाले पाइल को चुना है, आपके पर्सन आपके पास आएंगे और बहुत ही सीरियस प्रपोजल के साथ आएंगे, प्रैक्टिकल और सीरियस प्रपोजल के साथ आएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने स्पिरिट एनिमल डॉग को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने कैट्स को चुना है उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे।
सो जिन्होंने स्पिरिट एनिमल कैट को चुना है, आई वुड नॉट क्राई फॉर यू. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है इस टाइम में, एक तरीके का एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है. ये जो पर्सन है वो खून के आंसू रो रहे हैं. सो आपके पर्सन आपके लिए रात दिन रोते हैं. मिस करना एक अलग बात है, लेकिन आपके लिए वो लिटरली रोते हैं. जब भी आपकी पिक्चर देखते हैं, आपकी बातों को सोचते हैं, ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए रोते हैं. क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, आप इनके लिए क्वीन की तरह है, यानी कि आप ही इनकी दुनिया है. अगर आप हैं तो सब कुछ है, वरना सब बेकार है. मतलब अगर आप इस पर्सन को देखेंगे एक थर्ड परसेप्शन से, एक सोशल मीडिया से, तो आपको लगेगा इस पर्सन की लाइफ में तो सब कुछ है. इसके पेरेंट्स हैं, इसके पास जॉब है, इसके पास घर है, इसके पास इसके कजन्स हैं, इसके पास इसकी मतलब वाइफ है, बच्चे, सब कुछ है. ये पर्सन तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इनका दम घुट रहा है, ये रो रहे हैं आपके लिए. दूसरी बात ये है कि ये पर्सन आपके पास आने का एक बड़ा मेजर डिसीजन लेंगे. एट ऑफ कप्स आना है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़कर आपके पास आएंगे. जो भी बहुत सारे रिश्ते पीछे छोड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़कर आपके पास आएंगे, क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं. सरेंडर टू डिवाइन, ये पूरा का पूरा इन्हें भगवान पे भरोसा हो गया है. शायद पहले नहीं था, इस कनेक्शन पे नहीं था, लेकिन अब इसे भगवान पे भरोसा हो गया कि ये जो कनेक्शन है आपके साथ, जो इनका कनेक्शन था वो गॉड की तरफ से था, और ये इस कनेक्शन पे वर्क करेंगे. चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें कुछ भी चीज़ सिचुएशन पीछे छोड़नी पड़े, तो ये आपके पर्सन आपके लिए बहुत सारी सिचुएशन पीछे छोड़ के आपके पास आ रहे हैं. द विन विन आउटकम, ये पर्सन के साथ आपकी 100% विक्ट्री है. एक न्यू साइकिल क्रिएट होगी. आप इस रिलेशनशिप में अब लॉस नहीं करोगे. हो सकता है आपने पहले लॉस किया हो, लेकिन अब लॉस नहीं करोगे. विन विन आउटकम. सो मैसेज आपके लिए भी यही है कि आपको इस रिलेशनशिप पे भरोसा रखना पड़े, क्योंकि दूसरा जो कार्ड है टेम्परेंस कार्ड है, बैलेंस कार्ड है. सो इस रिलेशनशिप में एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट होने वाला है. अभी होना शुरू हो गया होगा या फिर इन फ्यूचर में होगा. ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़ कर आ रहे हैं. लेकिन टेम्परेंस जो कार्ड है एक स्लो कार्ड होता है, वो फास्ट मोमेंटम वाला कार्ड नहीं होता. सो इस रिलेशनशिप में पेशेंस रखिए इस पर्सन के लिए, और इस रिलेशनशिप पे गिव अप मत करिए, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं. इसलिए गिव अप मत करिए, पेशेंस रखिए और वेट करिए, ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं. सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने कैट्स को चुना. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.